पार्लियामेंट्री पार्टी की इजलास हमने बुलाई है और उसमें मुतवक्के सारे फैसले करेंगे। जिस तरीके से एडहाक जजेस को लाया जा रहा है उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। जिस तरीके से एडहाक जजेस को लाया जा रहा है उसका भी एक प्रॉपर जवाब देंगे। जिस तरीके से हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन ऑन एंड ऑफ होते हैं और फिर भी उस पर कोई एतराज आ जाता है तो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी को सब कुछ चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं बन सर। इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, हर जगह होगी, इस ईमान में होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यानी आवाम से बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, ईमान में ही रहेंगे। बाहर भी जहां जी लॉफुल पुरमन एहतजाज होगा वो भी करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, इलेक्शनों के लिए भी करेंगे। तब्दीली आएगी या अवाम के देखो, हम चाहते यही है, ईमान के लिए कोशिश करें। थैंक यू।